आदर्श घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और उसमें अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी डाला गया है। गंभीर आरोप और इसी के साथ गंभीर सवालों में घिरती हुई दिख रही है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की भूमिका। आरोप पत्र में उनका नाम डाला गया है। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, जो तमाम गंभीर आरोप लिखे लगाए गए थे उन पर कि दो रिश्तेदारों को उन्होंने घर दिया था, क्या क्या आरोप, आरोप पत्र में क्या लिखा गया? आदर्श कमीशन की इंक्वायरी के समय खुद को साफ साफ बताने वाले अशोक चव्हाण के ऊपर आज सीबीआई ने जब चार्ज दायर किया है, आरोप पत्र उसने साफ लिखा है कि ये भी उनके ऊपर जो अपने दुरुपयोग है उनके अपने पद का उन्होंने किया है। इसके साथ ही क्योंकि वो FIR में रजिस्टर्ड है उनका नाम, तो इसी की वजह से उनके खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है। तीन बड़े बड़े ट्रंक भर के यहाँ पर आरोप पत्र लाए गए हैं सीबीआई के अधिकारियों। फिलहाल वो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा है, उसके बाद वो कोर्ट में ले जाएंगे। आज सुबह भी हमने देखा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आदर्श और राज्य सरकार की तरफ से दोनों की तरफ से सीबीआई की जो जांच है उसको डिरेल करने की पूरी कोशिश की गई थी। उनको कहा गया था कि जो चार्जशीट है उनको वो दायर न करें ऐसा आदेश हाईकोर्ट ने, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसे आदेश देने से मना कर दिया था। बिल्कुल विद्या, और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया इस तरह का आरोप आप बता रही हैं, इसके अलावा क्या क्या सीधे आरोप क्या इस बार बतौर भी जानकारी मिल पाई है? देखिए, अशोक चव्हाण से पहले ही ये आरोप लग चुका है कि वो जब उस समय मुख्यमंत्री थे तब उस समय उन्होंने मेंबरशिप जो दिलवाई थी आदर्श सोसाइटी की, उस समय उनकी जो सास है और उनके जो साले हैं उन दोनों को घर मिले दिए गए थे आदर्श सोसाइटी में। ये जो सोसाइटी है कोलाबा के पौश इलाके में है, जो सरकारी जो जमीन है वो उस पर अभी भी मतभेद राज्य सरकार कहती है वो उनकी जमीन है, जबकि केंद्र सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि उनकी जमीन है क्योंकि ये जो नेवल बेस है उसके एकदम करीब है और उसकी इनफैक्ट अगर कोई रहता है उस सोसाइटी में तो पूरा बेस उसके अंदर साफ दिखेगा। ये सिक्योरिटी की भी इसी की वजह से अपोज कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विद्या इस तमाम जानकारी के लिए। विद्या आज तक संवाददाता मुंबई से जानकारी देती हुई, यानी जो तमाम आरोप एक वक्त पर इस कमीशन के सामने अशोक चव्हाण ने विलासराव देशमुख पर डाले थे कि वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त सब कुछ हुआ था, वो काम नहीं आया है, उनके आरोप पत्र में उनका नाम डाल दिया गया है। बड़ा दाग एक पूर्व मुख्यमंत्री